हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया टेलर्स और आज हम लोग सीखेंगे लो जींस वाले कोट में यानी जैकेट में कैसे पैकेट लगाया जाए। दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसे एक छोटा सा टुकड़ा बताते हैं ताकि आप लोग आसानी से सीख जाएं। हम लोग 5 इंच का लंबा पैकेट बनाएंगे, है ना, इसलिए 5 इंच पे हम निशान लगा देते हैं दोनों साइड से। और ये जेब है जो 1 इंच मोटा होना चाहिए, है ना, तो दोनों साइड से हम 1 इंच का निशान लगा लेते हैं और इसे रेक्टेंगल शेप में मिलान कर देते हैं। ये हमारा लगभग जेब का निशान तैयार हो गया। दोस्तों हम एक 6 इंच लंबा कपड़ा लेंगे यानी कि 2.5 दोनों तरफ से आधा इंच मार्जिन छोड़ेंगे और 5 इंच में निशान लगाएंगे। 5 इंच का जेब रखना इसलिए। और ये कपड़ा लगभग 2.5 इंच चौड़ा होना चाहिए ताकि 2 इंच का हमें बनाना है तो 1/2 इंच मार्जिन में जाएगा। ये कपड़ा हम लोग पैकेट के लिए लेंगे लो। इसका भी लंबाई जितना रख सकते लो 18-20 और ये चौड़ाई जो है 6 इंच रहना चाहिए। देखिए ये पैक जो है हमें ऊपर से एक और कपड़ा लेना है, 6 इंच लंबा होना चाहिए और 1.5 इंच चौड़ा। अब हम पूरा कपड़ा ले लिए हैं जेब के लिए और सबसे पहले हम इसे बीच से फोल्ड कर देते हैं और जो नीचे का कपड़ा रखे हैं उसमें हम इसे मोड़ करके सिल देते हैं। देखिए हम कैसे रखे हैं, ऊपर में रखे हैं और किनारे पे एक चाप का सिलाई चला देते हैं। दोस्तों अब हमें इसे देखिए तैयार हो गया, उल्टा करके हम रखते हैं, है ना, जो निशान लगाए हैं ना उसी पे। दोस्तों इसे हम अगर देखिए पहले इसे हम यहाँ पे लगा देते हैं निशान 5 इंच पे पूरा ताकि चलाने में सिलाई आसानी रहेगा। अब हम वहाँ से लेकर के यहाँ तक सिलाई चलाते हैं, यहाँ पे अच्छा से बांध देते हैं। अब हम जो ऊपर वाले निशान लगाए हैं उस पर जो 1.5 इंच रखे थे 1 इंच के बाद, देखिए 1.5 इंच का हमारा दूरी है। अब हम 1 इंच दूरी पे सेम उसी तरह से निशान लगाएंगे और इस पर भी सिलाई चला देंगे एक चाप का पकड़ करके। ये सिलाई कंप्लीट हो गया। अब हम इसे उल्टा करेंगे यानी पीछे से दिखाते हैं आप लोगों को कैसे सिलाई चलाए हम। ये देखिए अंदर का ऐसे बन गया है, इधर से देखिए हम सिलाई चलाएं, इसके बीच से कट कर देते हैं और किनारे पर आकर के हमें वी शेप का यानी दोनों साइड कोना तक, ज़्यादा नहीं काटना है, थोड़ा सा कम रहे, कोना तक सिलाई काटना है। देखिए अब हम इधर से भी वैसे ही सेम काट देते हैं दोनों को, कपड़ा पलट थोड़ा सा साइड में करके इधर भी वैसे ही काटेंगे हम निशान के पास और कट गया। अब इसे हम अंदर की तरफ पलटेंगे। देखिए दोस्तों अब हम इसे पलट दिए, ऊपर से ये बैठ गया है। अब जो ट्रेंगल शेप का हम लोगों का जो किनारे किनारे कपड़ा निकलता है उसे उल्टा करके एक चाप का सिलाई चला देंगे ताकि वह बैठ जाए और बाहर ना निकले। ये बांध दिए सेम इस तरह से हमें दूसरे साइड में भी बांधने हैं, वहाँ पे बैठ गया एकदम, इधर भी हम ऐसे ही बांध देते हैं। देखिए दोस्तों देखिए एकदम हमारा पैकेट तैयार हो चुका है बिल्कुल, सिर्फ नीचे का जो कपड़ा है उसे हम अब फोल्ड करते हैं ना, जितना लंबा पैकेट रखना है 6 इंच 8 इंच लगभग 7 इंच रहता है कपड़ा, और हम में बराबर करके नाखून मार देते हैं और ऊपर से सिलाई चलाएंगे हम लोग एक यानी लॉक पे जेब के। देखिए ये बैठा दिए हम, और इसे थोड़ा सा अच्छा से बांधते हुए सिलाई चलाएंगे।
ये बिल्कुल ही आप लोग का लगे यार, रेडीमेड जो जॉकेट आता है सेम वही पैकेट है, साइड पैकेट भी बना सकते हैं इसे, और कोट पैंट में जो पैकेट होता है वो भी सेम ऐसे ही बनता है फ्रंट पैकेट, बस कोट पैंट वाले में फेस्टिंग लगाते हैं। दोस्तों अब हम लोग का ये पैकेट बिल्कुल भी बन करके तैयार हो गया, देखिए। अब साइड से पहले हम लोग इसे निशान लगा देते हैं, जो है चलाकर बंद कर देते हैं साइड से पैकेट को चारों तरफ से। आप लोग इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके भी चला सकते हैं, सिर्फ हम बताने के लिए आप लोगों को ये ऐसे सिलाई कर रहे हैं। किनारे किनारे लॉक पे चारों तरफ से हम सिलाई चलाएंगे ताकि ये बैठ जाएगा बराबर। आप लोग भी पहले एक बार ट्राई कर लीजिएगा लोग छोटे कपड़े पे, ताकि नया कपड़ा कस्टमर का ख़राब ना हो। देखिए बिल्कुल रेडीमेड कोट में या जैकेट में जैसे भी आप लोग पैकेट बनाना चाहें उसे बन सकता है ये बिल्कुल ही 5 मिनट में। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए शुक्रिया।